नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त प्रशांत। आज लेके आया हूं सैमसंग डिवाइस मेंटेन के ऊपर एक ट्यूटोरियल कि उसे फुल्ली कैसे यूज़ किया जाता है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जिनसे हम अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ऐप है डिवाइस मेंटेन, ये सैमसंग के ही फ़ोन में होता है और जो नोगेट के जो डिवाइसेस हैं, नोगेट, ओरियो और जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग के, उन सब में ये है। बट मार्शमेलो वाले जितने भी फ़ोन हैं, सैमसंग गैलेक्सी J7 2016, खैर वो तो ओरियो में है, तो J7 2015 और J2 Pro, जो भी फ़ोन है इनमें स्मार्ट मैनेजर है क्योंकि इनमें मार्शमेलो है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हेडिंग ऐप इशू रिपोर्ट। जब कोई ऐप का यहाँ मतलब इशू वगैरह होता है, कोई ऐप क्रैश होती है, कुछ भी होता है, हैंग होती है ऐप, तो यहाँ पर वो शो करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यह क्रैश हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया था ना, जब कोई ऐप यहाँ पर क्रैश होती है तो बताता हूँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये 100 बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐप्स आपने ओपन किए, उन्हें आपने वापस क्लोज कर दिया, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो क्लोज नहीं होती है, रिसेंट ऐप से क्लोज तो हो जाती है लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड में रन करती रहती है। तो अगर वो रन कर रही होंगी तो यहाँ बताएगा 99/100 या 98/100 और आगे आएगा। हाँ, तो ये अभी डिसेबल आ रहा है क्योंकि अभी 100 है, कोई ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रही है। अगर रन कर रही होगी तो ये ऑप्टिमाइज नाउ बटन डिसेबल नहीं आएगा। ओके, अच्छा बैटरी के मामले में यहाँ पर है तो हम चलते हैं। तो अभी मेरी बैटरी कितनी है वो यहाँ बता रहा है। ओके, बैटरी यूसेज देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पावर सेविंग मोड भी चूज सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, चूज कर सकते हैं। Select the off button, mid button, max button, S power plan, app power monitor, tap save power to stop these apps from using your battery while you are not using them. तो ये कह रहा है कि अगर आप सेव पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऐप्स अभी रन कर रही हैं बैकग्राउंड में फालतू में, उन्हें ये ऑटोमेटिक स्लीपिंग में डाल देगा। तो हम देखते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये 5 ऐप्स को स्लीपिंग में डाल दी इसमें, अभी 11 मेरी स्लीपिंग ऐप्स है। तो यहाँ से आप ऐप्स को हमेशा हमेशा के लिए भी डाल सकते हैं। मैंने अभी कोई डाल नहीं रखी है, तो आप ऐड ऐप्स पर क्लिक करके जो आपको ऐप्स चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सब आ जाएगी। ओके, तो मैं बैक चलता हूँ, बैटरी से बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप स्टोरेज क्लीन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ, तो आपको बताता हूँ। 8.7 GB यूज्ड है। तो यहाँ से हम क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्लीन पर क्लिक किया। तो अब ये डिसेबल आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। Powered by स्टोरेज बूस्टर, ठीक है। तो स्टोरेज बूस्टर के अंदर से भी आप क्लीन कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चेकिंग तो यहाँ से आप ऐप्स को zip वगैरह कर सकते हैं, जो कि फीचर है कोरियो में। बट ये फोन अभी मेरे फोन में वर्क नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको अगर आप क्लिक
Screen, page 103, default page, phone, contacts. फ्रेंड्स माफी चाहूंगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी मेरी, मुझे पता नहीं चला, तो मैं आपको बता, फ्रेंड्स इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स है वो यहाँ पे शो करेगा, और जिस ऐप को आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि उसका जो फोल्डर होता है ना, जैसे व्हाट्सअप मान लीजिए, व्हाट्सअप मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे जाके, तो व्हाट्सअप का एक फोल्डर एसडी कार्ड में बन जाएगा, और जितना भी डेटा मेरा इंटरनल स्टोरेज में है वो एसडी कार्ड में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इससे क्या होता है, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो रात के टाइम पे क्या है कि ये जो फालतू की जो मतलब अननेसेसरी डेटा होता है, फालतू की फाइल्स होती हैं, उन्हें ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स डिलीट होगी, अननेसेसरी फाइल्स, कैश फाइल्स, लॉग फाइल्स, अननेसेसरी फोल्डर्स मतलब फालतू के जो फोल्डर्स, स्केड्यूल, ओके, रात को मतलब नाइट में ये क्लीन करता है, इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर रखा है, जब भी ये क्लीन करेगा शो करेगा, तो हम बैक चलते हैं, बैक चलते हैं। स्टोरेज बूस्टर फ्री अप स्पेस बाय डिलीट स्टोरेज मेमोरी। ओके, अब अगला है मेमोरी मतलब रैम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप रैम क्लीन कर सकते हैं, चेकिंग करूँगा, तो यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, मैं करता हूँ, इसमें हम चलते हैं, यहाँ से फोन को स्कैन कर सकते हैं, और बस इतना ही है इधर तो। फ्रेंड्स एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आपका फोन स्कैन मतलब अगर फोन को स्कैन की जरूरत है, तो वहाँ अभी बाहर दिखा था ना, जैसे अभी अब ये सिक्योर पता है, ठीक है, जब स्कैन की जरूरत होगी तो यहाँ लिखा हुआ होगा डीएक्टिवेटेड। ओके, और स्कैन करेंगे तो वापस सिक्योर आ जाएगा, मतलब पूरे फोन को ये स्कैन कर देता है, वायरस वगैरह सब कुछ। और अभी जितने भी नए फोन हैं उनमें अगर आपको वायरस स्कैनिंग वगैरह ऑन करना है तो एक आता है नॉक्स प्रोटेक्शन। ओके, उसको ये स्कैन फोन के जस्ट पास में स्वाइप करेंगे तो आ जाएगा, मेरे फोन में ये नहीं है, तो दूसरे फोन को भी, तो इतना ही है इधर, चलते हैं। तो ये तो आप लोग जानती हैं, अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड। ओके, नोटिफिकेशन से जो हम ऑन करते हैं ना वो, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फ्रेंड्स अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।